महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन की इन तीन सीटों पर अटकी बातचीत, क्या है वजह? महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महायुति गठबंधन के बीच सीट बंटवारे का फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि राज्य की तीन सीटों पर अभी भी पेच अटका हुआ है। हालांकि भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने शनिवार को कहा था कि महायुति के बीच सीट बंटवारे का मामला केंद्रीय नेतृत्व के साथ बातचीत के बाद सुलझा लिया जाएगा और 25 मार्च तक सीट आवंटन की घोषणा कर दी जाएगी। अब सूत्रों के हवाले से पता चला है कि महाराष्ट्र की बारामती, माढ़ा और सतारा में तीन सीटें हैं जो बंटवारे में समस्या पैदा कर रही हैं। अभी भी इस बात पर अनिश्चितता बनी हुई है कि गठबंधन की कौन सी पार्टियां उन सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगी। महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ गठबंधन में भाजपा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली राकांपा शामिल है। माढ़ा और सतारा में नेता और पार्टी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी सांसद उदयन राजे भोसले के समर्थक इस बात से नाराज हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली सूची में सतारा सीट से उनके नाम की घोषणा नहीं की गई। इस बीच भाजपा के दिग्गज नेता विजय सिंह मोहिते पाटिल और राकांपा अजीत पवार खेमे के रामराजे निम्बालकर भी भाजपा के रंजीत सिंह नायक निम्बालकर को माढ़ा से उम्मीदवार घोषित किए जाने से नाराज हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को माढ़ा निर्वाचन क्षेत्र में मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। प्रभावशाली मोहिते पाटिल परिवार को टिकट देने से इनकार करने के पार्टी के फैसले से असंतोष फैल गया है, जिसका असर आगामी लोकसभा चुनावों पर पड़ रहा है। सोलापुर जिले का माढ़ा निर्वाचन क्षेत्र परंपरागत रूप से मोहिते पाटिल परिवार का गढ़ रहा है। हालांकि भाजपा ने पिछले हफ्ते मौजूदा सांसद रंजीत सिंह नायक निम्बालकर को माढ़ा निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारने का फैसला किया, जिससे मोहिते पाटिल और उनके समर्थक विरोध पर उतर आए हैं। भाजपा ने रविवार को माढ़ा और सतारा निर्वाचन क्षेत्रों में विद्रोही नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए मंत्री गिरीश महाजन को भेजा था, लेकिन उनके काफिले को ही रोक दिया गया। उन्होंने सतारा में स्थिति की समीक्षा के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। महाजन ने स्पष्ट किया है कि महायुति के सहयोगी दलों शिवसेना और एनसीपी के बीच कुछ गलतफहमियां हैं। महाजन ने कहा कि हर कोई चाहता है कि उनके नेता को उनके निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा जाए, इसलिए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुझे नेताओं के साथ चर्चा करने और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए भेजा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लिए उम्मीदवारों की अगली सूची जल्द ही जारी की जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।